1,00,000 पार्टनर्स को बांधने का सिस्टम है शेयर्स, और इस्लामिकली शेयर्स के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्टनर अगर 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1,000 हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकते हैं, 10,00,000 भी हो सकते हैं, 10,00,000 शेयर्स हो सकते हैं, 10,00,000 पार्टनर्स हो सकते हैं, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। शेयर मार्केट्स में मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं, एक शेयर्स बिकते हैं, दूसरा डिबेंचर्स बिकते हैं, और तीसरा डेरिवेटिव्स बिकते हैं। बहुत सारे लोग आके बहुत सारे कप्स खरीदने लगे सडनली, तो सप्लायर बना रहा है कितने कप बना लेगा, तो जाहिर सी बात है उसका भाव 50 रुपए था, कितना हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, 60-70 होने लगेगा। ये तो नेचुरल बात है भाई, ये नेचुरली बढ़े तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम तब होता है जब आर्टिफिशियली बढ़ता है। आर्टिफिशियली कैसे बढ़ता है, डेरिवेटिव्स की वजह से बढ़ता है। इस्लामिक हुक्म यह है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हराम है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे कुछ ब्रदर्स हैं हैदराबाद के, जिन्होंने कंपनीज को स्क्रीन किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वहां से कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें अराउंड 500 ऐसी कंपनीज मिली जिसमें डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनीज तकरीबन 500 ऐसी कंपनीज मिली, लेकिन ऑफकोर्स दूसरे फैक्टर्स चेक नहीं हुए थे। यहां मैं आप लोगों को एक दर्द भरी कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनिए। यहां बात यह है कि हम मुस्लिम्स के पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मुसलमान एक बहुत बड़ी लॉबी है, हम लोग चाहते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट एज अ ब्लॉक जा सकता है कहीं पर, लेकिन फिर क्या है कि हम चाहते हैं कि हलाल तरीके से इन्वेस्ट हो। तो हम देखते हैं कि कई शरिया एडवाइजरी कंपनी स्टार्ट हुई जिन्होंने शरिया कंप्लायंस चेक करते हैं। शरिया कंप्लायंस चेक करने के अंदर वो चेक करते हैं कि ये जो कंपनीज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मोर देन 6,000 कंपनीज है, इसके अंदर से कौन सी कंपनी है जो शरिया कंप्लायंट है। तो उन्होंने एक कायदा बनाया, उनमें से कुछ कंपनीज का कायदा है कि अगर जितना भी कैपिटल है वो कंपनीज का, उसमें से 1/3 यानी कि 33% अगर सूद पे लिया हुआ है तो चलेगा। उन्होंने कायदा बताया, बोलते हैं शरिया कंप्लायंट हो गई क्योंकि 1/3। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि 1/3 की दलील बताओ, कहां है दलील, तो कुछ लोग तो जवाब ऑनेस्टली देते हैं कि कोई दलील नहीं है, और यही बात है, कोई दलील नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि देखो वसीयत करने की जो गुंजाइश है ना, माल है आपके पास, आपके माल में से आप वसीयत विल बना सकते हो, तो 1/3 तक का विल बना सकते हो। लेकिन वसीयत और ये तो कुछ अलग है ना, तो बिल्कुल कहाँ वसीयत हो, कहाँ ये 1/3 तक सूदी अमाउंट आ रहा है, जो लोन से अमाउंट आ रहा है, यानी अगर मान लीजिए 1 करोड़ का कैपिटल है तो 33 लाख सूद पे आए हुए हैं, तो वो वसीयत की चीज़ तो कहीं फिट नहीं होती है, ऑब्वियसली नहीं फिट होती है, कोई भी चीज़ कहीं पे थोड़ी फिट हो जाएगी। 1/3 का फिगर जरूर मिल रहा है, लेकिन 1/3 यहाँ नाफिस कैसे होता है, वो कनेक्ट कैसे होता है, कियास बैनल फारिक, दो अलग चीज़ों में कियास है, एनालॉजी है। तो कुछ शरिया कंपनीज ने अपना ये रूल बनाया, बोले कि नहीं नहीं 25%, 33% नहीं, हम लोग 25% अगर सूद पे पैसे लिए हुए हैं तो हम उसे शरिया कंप्लायंस की सर्टिफिकेट दे देंगे वैसी कंपनी को, 25%। लेकिन 25% की भी कोई दलील नहीं है। कुछ कंपनीज है जो कहती हैं 10% सूदी काम कर रहे हैं, 10%, 10% की भी कोई दलील नहीं है। अगर सोचो, सिर्फ सोचने में क्या है, कोई चीज सोचने से नहीं रोक सकता, सोचते हैं तो ही एक दिन जाके होगी ना, वही तो बात है ना, सोचने से कौन रोक सकता है। जरा सोचो कि अगर हमारे पास ऐसी अगर शरिया कंप्लायंस वाली इन्वेस्टमेंट की कोई कंपनी होती, जो हमारी मुस्लिम कंपनी, जो ऐसे छांट करके दे कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां 0% सूदी काम, ऐसी कंपनीज दो, सिर्फ एक गुंजाइश है शरीयत में। सुनन अबू दाऊद की एक सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 चीजें अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए माफ किया है, एक है खता मिस्टेक, दूसरा है निसियान भूल गए, जो वो मस्तुक रिहू अलई, जो किसी शख्स पर फोर्स कर दिए जाए। तो गवर्नमेंट रूल्स के जरिए जो चीज फोर्स है कि इतना कैपिटल आपको वहां रखना पड़ेगा, फला जगह पे रखना पड़ेगा, वो जो फोर्स के तहत जो सूद आ रहा है, या फोर्स के तहत कहीं कैपिटल जमा है जो गवर्नमेंट ने फोर्स कर रखा है सचमुच, वो मजबूरी है, वो चीज तो माफ की दलील हमें मिल रही। लेकिन उसके अलावा ऊपर से अगर किसी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, किसी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो चीज की दलील नहीं मिल रही। तो हम देखते हैं जैसे शेख सोले उसैमी, डॉक्टर सोले उसैमी, उसैमी नहीं उसैमी, जिन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई halal2.com के नाम से, जो सऊदी के स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी वैसी वैसी कंपनीज है जो 100% शरिया कंप्लायंट है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर अब कंपनीज चाहते हैं कि हमारा नाम वो लिस्ट में आए, और इस वजह से वो अपने अंदर शरिया कंप्लायंस लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अंदर इन्वेस्ट करें लोग। मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसी अगर एडवाइजरी बॉडी होती और हम मुसलमान थोड़े बेदार होते, और बेदार होने की बुनियाद पर अगर हम ऐसी एक बॉडी को सपोर्ट करें जो
छांट करके सही पूरे कुरान हदीस के हिसाब से जो सही कंपनी से कितनी कम होने दो, कोई मसला नहीं, 50 होने दो, 100 होने दो, कोई मसला नहीं, हम बताएंगे ये 50 शरिया कंप्लायंट है। फिर क्या होगा कि अगर हमारे पास इन्वेस्टर्स है, लोगों की लॉयल्टी है, लोग चाहते हैं कि ये एडवाइजरी बॉडी की बात मान के हम लोग करें, तो फिर क्या होगा, कल और कंपनीज 50 से 100 होगी, 100 से 150 होगी, 200 होगी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, मुसलमान इन्वेस्टर्स है ना, इनके पास पैसा है ना, ये लोग आके हमारे पास इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करने के लिए वो अपने आप को कंप्लायंट बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर क्या होगा, हमारे पास हलाल अल्टरनेटिव्स में, इन्वेस्टमेंट में ये अल्टरनेटिव ओपन अप हो जाएगा जो हमारे हलाल अल्टरनेटिव्स में होगा। लेकिन नेवरदलेस शेयर मार्केट पे जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करने से तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास कोई बड़ा बिजनेस प्लान है और अगर आप मार्केट से कैपिटल उठाना चाहते हो, आपको कैपिटल की जरूरत है, तो हलाल अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव है शेयर मार्केट। जैसे हमारा दुश्मन है, जैसे अन इस्लामिक है, उन नजरों से देखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी कंपनी इंशाल्लाह एक हलाल कंपनी होगी जिसके अंदर शरिया कंप्लायंस होगी। तो जब कभी हमारे भाइयों में से जिस किसी को अल्लाह ताला तौफीक दे, जो ऐसी लिस्ट को बनाए, क्योंकि बात कर सकते हैं हम लोग, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि जिसके जरिए सारे काम जो कर सकें, लेकिन ये जरूरत है उम्मत को कि ऐसे लोग हों जो ऐसी बॉडीज फॉर्म करें जो ऐसे कंपनीज को सॉर्ट करके चेक करके दें। क्या हो गया कि जो हमारे शरिया कंप्लायंस चेक करने वाले लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, अब हमारे पास हलाल अल्टरनेटिव 100% हलाल वाला आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम उससे पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं कि 33% पे कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ लोगों ने 25% पे कॉम्प्रोमाइज किया, और कुछ ही हैं जो 10% पे कॉम्प्रोमाइज कर, लेकिन ये तीनों की दलील नहीं है। तो इसमें सही बात यह है कि इससे बचने की शक्ल हो और ये चेक करके लाया जाए, आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ होगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इंशाल्लाह बेनिफिट पैदा होगा और हलाल अल्टरनेटिव्स बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो शेयर मार्केट के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि ये कुछ चीजें हैं शेयर मार्केट के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। डेरिवेटिव्स देखने से पहले हम एक और मार्केट को जोड़ देते हैं साथ में, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के अंदर भी डेरिवेटिव्स की लार्ज स्केल इंटरफेरेंस है। कमोडिटी मार्केट है क्या? कमोडिटी मार्केट वो है जहां पर कमोडिटीज ट्रेड की जाती है, जैसे सोना, चांदी, मेटल्स, या सारे जो अनाज जो फार्म प्रोड्यूस है, तकरीबन बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो आज कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड की जाती है। इंटरनेशनली कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड करना इतना आसान हो गया है कि आदमी इंटरनेट पर अपना अकाउंट खोल दे और कमोडिटी मार्केट से वो कनेक्ट हो जाता है, और यहां इंटरनेट पर बैठे बैठे, सुनिए, वो कर रहा है इंस्ट्रक्शन कि मुझे 100 किलो कॉपर खरीदना है, 500 रुपए का भाव है, खरीद लिया मैंने। फिर देख रहा है कि मार्केट में भाव क्या जा रहा है, अरे कल देख रहा है 502 रुपए भाव हो गए, 504 रुपए भाव हो गए, अब बटन दबा करके वो कहेगा बेच रहा हूं मैं 504 रुपए में, 510 रुपए में बेच रहा हूं। तो वो बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी मार्केट में सोना खरीदता है, ये कैसा है? सोना नहीं, पहले सोने की बात करेंगे। यदन बी यदिन, सोने में कायदा क्या है? हैंड टू हैंड, वहां पे पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को डिलीवरी भी चाहिए तो डिलीवरी बाद में आएगी, आते आते का अराउंड 7 डेज लगते हैं, तो 7 डेज लगते हैं, तो यदन भी यदिन का कायदा टूट जाता है। तो कमोडिटी मार्केट्स में सोने और चांदी की ट्रेडिंग करना तो क्लियर कट हराम है। आइए कॉपर पे आते हैं या दूसरे मेटल्स पे आते हैं। अब ये जो खरीद रहे हैं और उनके अकाउंट में आ जाता है ऑन पेपर वर्चुअल 100 किलो कॉपर हो गया आपका, आपके अकाउंट में दिख रहा है ना, पोजेशन आ गया कि नहीं आया? दिख रहा है ना अकाउंट में? ये इकार है कि मनकूल है? मूवेबल है कि इमूवेबल है? कॉपर ऑब्वियसली मूवेबल है, तो आपको लेना पड़ेगा पोजेशन। तो हम देखते हैं इसके अंदर नंबर टू प्रॉब्लम यह है कि बहुत कॉमन है कि लोग पोजेशन लिए बगैर बेच देते हैं, बहुत कॉमन है। लोग पोजेशन लेते नहीं है क्योंकि इतना सारा मेटल कहां पे लाऊंगा मैं, कहां पे लिखूंगा, हाँ, तो पोजेशन लेना एक मुश्किल लगता है उन्हें। इसलिए कमोडिटी मार्केट्स के अंदर ये टाइप का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि पोजेशन लिए बगैर बेच देना। और क्या चीज है जो यहां तक आपने देखा, जो हमने डिस्कस किया इसमें, यहां तक आपने और क्या चीज देखी कमोडिटी मार्केट के मुताबिक? आइए हम डेरिवेटिव्स पे आते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो आज के जमाने में दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है डेरिवेटिव्स। यहां तक कि खुद अमेरिकन गवर्नमेंट को फॉर द टाइम बीइंग थोड़े टाइम के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को रोकना पड़ा, जब बहुत एट द पीक ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, जब उनकी AIG जब ड्रॉप हो गई, और वो भी डेरिवेटिव्स का मेजर रोल था AIG के ड्रॉप होने में,
तो हम देखते हैं कि ये डेरिवेटिव्स के मुतालिक क्या बात है, आखिर में कंसेप्ट क्या है। डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट क्या होता है, सुनिए, कंसेप्ट ये है कि कोई भी अंडरलाइंग प्रोडक्ट होता है उसमें, नीचे का प्रोडक्ट, चाहे वो शेयर हो कोई कंपनी का, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर हो, या चाहे वो कोई कमोडिटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, पेट्रोल हो, चाहे करेंसी हो, डेरिवेटिव्स ये सब में किए जाते हैं। क्या होता है इसमें, डेरिवेटिव्स में एक आदमी वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, वो प्रोडक्ट खरीदने का हम लोग पहले ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन खरीद रहा है। क्या मतलब, ऑप्शन खरीद रहा है मतलब, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, फलां कंपनी के शेयर है, वो फलां कंपनी के शेयर 500 रुपए के हैं, वो शेयर 500 रुपए के हैं। अब अगर वो कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, आपको 100 शेयर लेंगे तो कितने रुपए जम जाएंगे, 50,000, 50,000 में 100 शेयर हाथ में आएंगे। हाँ, तो 100 शेयर लेकर रख सकते हो, बेच सकते हो, कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि डेरिवेटिव्स में ये होता है कि आप शेयर खरीदोगे तो आपके 500 रुपए ब्लॉक होंगे। वो कहते हैं कि हम तुम्हें ऑप्शंस, हम पहले देख रहे हैं, हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं शेयर खरीदने का, मतलब 500 रुपए का शेयर है, उसका एक ऑप्शन वो खरीदता है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, गोइंग लॉन्ग एंड गोइंग शॉर्ट। क्या मतलब, वो 500 रुपए का शेयर 520 में खरीद सकता है, ऑप्शन के मैं 520 में खरीदूंगा, आने वाले 2 महीने में, आने वाले 1 महीने में, आने वाले पीरियड में, फला पीरियड में मैं ये शेयर 520 रुपए में खरीदूंगा, ऑप्शन खरीदा नहीं। ये ऑप्शन उसे एक पर्टिकुलर प्राइस पे मिलता है, हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर 50 रुपीज में मिला, कि 50 रुपीज में उसको ऑप्शन मिल गया 520 में खरीदने का, ऑप्शन 520 में खरीदने का, यानी अब वो कितने खरीद सकता है, उसके पास 50,000 रुपए थे तो वो तो 100 शेयर खरीद सकता था, लेकिन अब वो कितने खरीद सकता है, 50 के हिसाब से अब 1,000 शेयर खरीद सकता है। शेयर नहीं खरीदा, शेयर खरीदने का ऑप्शन खरीदा। अब वो ऑप्शन का मामला ऐसा है कि मान लीजिए कल वो शेयर का भाव 550 हो गया, 550 हो गया, तो वो 520 में उसने खरीदने का ऑप्शन खरीदा था ना, अब वो एक्सरसाइज करेगा उस ऑप्शन को, और एक्सरसाइज करके वो शेयर को 520 में खरीदेगा, हालांकि भाव 550 है, हालांकि प्राइस 550 है, 520 में खरीदेगा, और 520 में खरीदा तो एक एक शेयर पे उसको 30-30 रुपए बेनिफिट हो रहा है, दे रहा है वो कितना, 50 हमने लिया, 50 थोड़ा ज्यादा हो गया, उसको कम कर लीजिए, ऐसा करते हैं हम उसको 10 रुपीज कर देते हैं उसके चार्ज को, जो चार्ज उसने पे किया 10,000 यानी कि 50,000 रुपए में वो 5,000 शेयर खरीद चुका है। सुनिए, 5,000 शेयर 50,000 रुपए में खरीद चुका है ऑप्शन, अब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 520 के भाव में उसने लिया था, 520 में खरीद करके वो बेच देगा 550 में, मतलब कि एक एक शेयर पे 20-20 रुपए कमाएगा, 10 रुपए तो उसको देना है ना, 10 रुपए माइनस होंगे तो 20-20 रुपए कमाएगा, और वो डायरेक्ट प्रॉफिट करेगा। और अगर मान लीजिए इसके अंदर गोइंग शॉर्ट क्या है कि 500 का भाव चल रहा है, वो कहेगा मैं 480 में खरीदने का ऑप्शन ले रहा हूं, 480 में खरीदने का ऑप्शन हुआ, अब अगर मान लीजिए 480 में बेचने का ऑप्शन भी दे सकता है, जो चीज है नहीं वो बेच सकता है, उसके पास है नहीं, लेकिन वो कहे कि मैं 480 में बेचने का ऑप्शन ले रहा हूं, इसे गोइंग शॉर्ट कहते हैं, कि मैं 480 में बेचूंगा, ये कब क्यों कहेगा, क्यों कहेगा, जब मार्केट गिर रही है, जब मार्केट गिर रही है और उसको पता है कि आने वाले 2 महीने में 6 महीने में ये 480 की जगह 450 भाव हो जाएगा, तो उसने 480 में बेचने का ऑप्शन लिया, है नहीं उसके पास शेयर, लेकिन बेचने का ऑप्शन दे रहा है वो, हाँ वो बेचने का ऑप्शन दे रहा है। अब अगर मार्केट सचमुच 450 तक पहुंचती है तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया तो उसके पैसे गए, ऑप्शन का एक्सरसाइज किया वो तब एक्सरसाइज करेगा जब उसके पास कुछ बेनिफिट होगा, यानी मार्केट सिचुएशंस में कुछ बेनिफिट है तब वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में यही फर्क है कि फ्यूचर्स में लाजिम है, उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, मतलब उसमें ऑप्शन में तो ऑप्शन होता है कि चाहे तो लो चाहे तो ना लो, लेकिन फ्यूचर्स में अब लेना ही पड़ेगा, और ताकि कभी ऐसा हो कि मार्केट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गई, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, उसने 480 सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट तो चढ़ी हुई है ऊपर ही, उसने सोचा था कि गिरेगी लेकिन गिरी नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि फ्यूचर्स में उसको पहले से डिपॉजिट रखना होगा, जहां डेली जो भाव चेंज होते हैं उसके डिपॉजिट में प्लस माइनस होता रहेगा, इसे मार्क टू मार्केट कहते हैं।
चलिए कंसेप्ट तो मैंने बता दिया बुनियादी तौर पर, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं बताइए। आपके 6 उसूल याद है कि नहीं याद है? 6 के 6 याद है ना, एक बार रिविजन कर लें ताकि इसको एनालाइज कर लो। नंबर 1 कंसेंट, नंबर 2 capable to transact, जो कर रहे हैं वो कैपेबिलिटी होना चाहिए टू ट्रांजैक्ट, आगे पीछे तरतीब हो सकती है। नंबर 3 हलाल होना चाहिए। नंबर 4 ओनर या ओनर की तरफ से। नंबर 5 पोजेशन होना चाहिए। नंबर 6 क्लियर होना चाहिए क्या प्रोडक्ट है, क्लियर होना चाहिए। ओके चलिए आप बताइए जी। इसमें क्या होता है, यानी जैसा मेरे पास 5 लाख है जी, 5 लाख है तो इसके अंदर फैसिलिटीज देते हैं कि उसके ऊपर 20 times तुम ज्यादा खरीद सकते हो, यानी 5 लाख के ऊपर 1 करोड़ का माल खरीद सकते हो मार्केट से, तो ये नहीं कर सकते इस्लाम में। इसमें क्लियर नहीं है मतलब आने वाले दिनों में क्या होएगा, मतलब 6 पॉइंट जो है वो इस पे अप्लाई हो सकता है। सबसे पहली चीज, जो आदमी के पास है ही नहीं वो बेच देता है आदमी, हाँ जो है नहीं उसको बेचने का ऑप्शन उसने डाल दिया, उसका बेचने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो है ही नहीं उसके पास, हाँ ये क्या है, ये खुद ही एक प्रॉब्लम है। और जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम के पोजेशन के बगैर लोग बेच रहे हैं, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, ये दोनों चीज इक्वल होती है, दोनों साइड्स है, तो पोजेशन के बगैर काम हो रहा है ये पहले, इसकी बुनियादी कुछ नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड की जो इकॉनमी है उससे कईयों गुना ज्यादा ट्रेडिंग हो जाती है फ्यूचर्स के जरिए, एक्चुअल स्टॉक्स जितने होंगे, एक्चुअल शेयर्स जितने होंगे उससे कईयों गुना ज्यादा ट्रेडिंग हो जाते हैं शेयर मार्केट पे डेरिवेटिव्स के जरिए। तो मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोडक्ट का भाव बहुत सारे लोगों ने डिमांड किए, बहुत सारे लोग ने जा जाके खरीद लिए कप्स, तो भाव बढ़ता तो कितना बढ़ता हा? लेकिन जब ये ऑप्शन खरीदते हैं और ऑप्शन खरीदने की वजह से जो इसका प्राइस अगर शेयर मार्केट पे ट्रेड हो रहा होता अगर, तो क्या होता, इसका प्राइस जितना बढ़ना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं। इसी वजह से पेट्रोल वगैरह के अंदर ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, करेंसी मार्केट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेरिवेटिव्स के इंटरफेरेंस की वजह से। तीसरी चीज, इसमें वाजे नहीं है कि तुम कल का कह रहे हो कि मुझे इतने में खरीदना है ये प्राइस, ये तो क्लियर कट गैम्बलिंग की शक्ल है, ये क्लियर कट गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग में जैसे आदमी एक बोली लगाता है कि मैं लॉटरी टिकट ले रहा हूं, अब वो होगा नहीं होगा इट्स ऑल ऑन लक, ये सब ये चीज इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई कह रहा है मैं 480 में खरीदने का ऑप्शन ले रहा हूं, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किस बुनियाद पे कर रहे हो? कोई तुम्हें 480 का कल का भाव आज ऑफर कैसे कर सकता है? ये वजाहत, ये क्लैरिटी कहां से आई? ये क्लैरिटी है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये क्लियर कट एक सट्टेबाजी, एक गैम्बलिंग का फॉर्म है, और जो लोग गैम्बल करते हैं और जिसकी वजह से स्पेकुलेशन वगैरह की वजह से मार्केट्स अनस्टेबल हो जाती है, दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ता है बोझ ये लोगों के प्रॉब्लम का। हम देखते हैं मेटल्स की मार्केट कई बार अनस्टेबल हो जाती है यही स्पेकुलेटर्स की वजह से। तो ये जितना ये चीज बढ़ते जाएगी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, उतना ज्यादा दुनिया की मार्केट्स अनस्टेबल होती जाएगी, उतना ज्यादा उसे कोई भी डायरेक्शन में भेजा जा सकता है ये सारी चीजों के जरिए। तो इस्लाम ने ये चीज डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हराम बताई है, जिससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके ताल्लुक से कई सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है कि किस तरह से दुनिया में बहुत बड़ी इकोनॉमिक बर्बादी आई, और इसी वजह से इसे वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल मास डिस्ट्रक्शन बिल्कुल सही तौर पर कहा गया है। ये एक इकॉनमी को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। कितने अफसोस की बात है कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी इसमें मुब्तला हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, और डेरिवेटिव्स को किसी तरह से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सही बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी बुनियादी इस्लामी प्रिंसिपल्स इसमें टूट रहे हैं, और इसके गलत होने के ताल्लुक से कोई डाउट ही नहीं है कि ये गलत है। तो डेरिवेटिव्स के ताल्लुक से हमने देखा, और ये है शेयर मार्केट का और कमोडिटी मार्केट का टॉपिक, यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट होता है। हम अगला टॉपिक हमारा लेते हैं, यहाँ तक किसी को भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट के मुताबिक जी। मतलब गल्फ कंट्री में जो भी मतलब शेयर मार्केट एक्टिविटीज होती है वहाँ पे भी, तो उसमें डेरिविटी का कोई रोल होता नहीं मतलब मोस्टली वहाँ की कंपनी में? मतलब गल्फ कंट्रीज में क्या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है? जी हाँ होती है। गल्फ कंट्रीज में आपको कमर्शियल इंटरेस्ट बेस्ड बैंक्स भी मिलेगी, और जो शख्स जितना इस्लाम पर जिस इकॉनमी ने अमल किया उसको उतना खैर और भलाइयाँ मिली। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के, जैसे मलेशिया वगैरह में अप्लाई किया उन्होंने, उनको वो बेनिफिट्स मिले, और जो बेनिफिट्स जो प्रिंसिपल्स तोड़ेंगे तो वो प्रिंसिपल्स के तहत वो अनस्टेबल हो जाएंगे। हम देखते हैं कितनी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस लाई जाती है इन्वेस्टर्स के जरिए डेरिवेटिव्स की वजह से।
कोई भी इकोनॉमी को गिराना बहुत आसान हो जाता है, कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में होता है डेरिवेटिव्स की वजह से। तो ये चीजें हैं जो आज होती है, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के इकोनॉमिक प्रेशर्स में होते हैं। तो हम किसी के ऊपर हुक्म और फतवा नहीं लगा रहे हैं, बट जनरली बोलते हैं जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 33%, कुछ लोग 25%, कोई 10%, और ये दलील देते हैं जैसे शहर की सारी गलादत समुंदर में जाती और समुंदर का पानी पाक होता है, उसी तरह से बड़े कैनवस में वो जाके छोटी चीज़ सही हो जाती है, कहाँ तक दुरुस्त है? भाई का सवाल यही है कि जैसे हम देखते हैं कि शहर के सारे जो नाले हैं वो जाते हैं समंदर में, और समंदर का पानी पाक है, तो समंदर का पानी पाक है तो उसी तरह इनका कहना है कि देखो ये बड़ी चीज़ में छोटा कंपोनेंट है। तो हम ये बताते हैं कि ज़रा गौर करो, ज़रूरी नहीं है कि समंदर का पानी पाक ही होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर नजासत की वजह से जो गंदी चीज़ गई हुई है पानी में, एक बड़ी बॉडी है पानी की, उसके अंदर गंदी चीज़ गई हुई है, उसकी वजह से अगर तीन चीज़ें चेंज हो जाते हैं, तीन वस्फ, तीन एट्रीब्यूट्स उस पानी के, क्या है वो? टेस्ट, कलर, आंखों से स्मेल, उस नजासत की वजह से चेंज हुआ। नजासत की वजह से नहीं, मिट्टी चली गई, मिट्टी नजासत नहीं, मिट्टी की वजह से कलर चेंज हो गया वो नजासत नहीं, नजासत गंदगी की वजह से उसका टेस्ट चेंज हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, उसकी स्मेल चेंज हुई, वो पानी से वुजू हम नहीं कर सकते। अब यहाँ आप ये देखिए कि अगर कोई कहे कि पानी की बॉडी है उसमें एक तिहाई टॉयलेट गया है, 1/3, हाँ, या 25%, 1/4 उसमें टॉयलेट गया हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि उसका चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? 10% में भी डाउट तो लग रहा है, हाँ। तो हम कहते हैं कि ये कब अप्लाई होगा? जब जैसे कोई बहुत बड़ी चीज के अंदर, हाँ, कोई बहुत छोटी सी नजा चीज जाए जो शायद 1% से कम होगी, हाँ, तो जो अप्लाई होगा। ये कानून भी है, जैसे हम कहते हैं ना, दलील क्या है? मैंने एक दलील दी आपको मजबूरी वाली, जो चीज मजबूरी के तहत है वो तो माफ है, बाकी जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी वाली भी दलील है कि बहुत स्मॉल कोई गलत चीज हो, जो बड़े समंदर में कोई छोटी गलत चीज चली गई, तो वो छोटी गलत चीज की वजह से वो समंदर खराब नहीं होता है। जैसे समंदर में कोई जाके किसी ने पेशाब कर लिया, समंदर है, हाँ, तो वो बात है कि वो पूरा समंदर नजिस नहीं हो गया उसके पेशाब करने से वहां पर, हाँ, तो एक स्मॉल चीज जा रही है एक बड़ी चीज में, उसकी वजह से समंदर का कलर वगैरह तो चेंज नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए कि समंदर के अंदर 33% या 25% या 10% नजासत चली गई, तो बहुत हाई चांस है कि उसका कलर, टेस्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, हाई चांसेस। तो हम देखते हैं कि ये माइन्यूट क्वांटिटी है तो ये गुंजाइश है, ये एक एक्सेप्शन है, मतलब हम इस्लामिक शरीयत से एक्सेप्शन लेने तैयार है जो कुरान और हदीस से साबित है। तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज में कोई बहुत छोटी सी गलत चीज चले जाए, तो शरीयत ने उस चीज को ओवरलुक किया है, उसको माफ किया है, इसी वजह से वो पानी में नजासत जा रही है, तो नजासत को ओवरलुक किए, नजासत की वजह से नहीं कि पानी से वजू नहीं कर सकते, कर सकते तब तक जब तक ये चीजें चेंज ना हो जाए, वो ओरिजिनल उसका कैरेक्टर चेंज ना हो जाए, उसका ओरिजिनल कैरेक्टर वैसा के वैसा है। तो हम ये देखते हैं, तो 10% उसमें नहीं आता दिख रहा है, यही स्कॉलर्स का कहना है। वो कहते हैं 10% की दलील नहीं है, दलील है तो कोई माइन्यूट 0. something के अंदर कुछ हो, जो कोई चीज आ गई इनएडवर्टेंटली, तो वो चीज की तालुक से हमें दलील मिल रही है। ये म्यूचुअल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स जी, इस्लामिक रूप से जायज है? जज़ाकल्लाह खैर। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कैसा है? म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट क्या है? म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट ये है कि शेयर मार्केट में एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जाता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हमने देखा कि शेयर मार्केट में विथ रिस्ट्रिक्शंस इन्वेस्ट करना जायज है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो है काफी सीरियस है, और जो रिस्ट्रिक्शंस हमने देखे वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर पास होकर निकलने वाली बहुत चंद कंपनीज मिलेगी करंट सिनेरियो में। अब इसके अंदर आदमी खुद जब इन्वेस्ट करता है तो प्रॉब्लम यह है कि वो मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाता है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज कम हो रही है। तो यहां पे रोल आता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स के पास मैनेजर्स होते हैं जो मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं, मार्केट को ट्रैक करते रहते हैं, क्या चीज ऊपर जाने वाली, क्या चीज नीचे आने वाली है, और वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में। प्रॉब्लम यहां ये है कि जो म्यूचुअल फंड जो है, मान लीजिए एक फंड है वो 25 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है एक साथ में, और आपने म्यूचुअल फंड के साथ 1,00,000 इन्वेस्ट कर लिए, म्यूचुअल फंड वो 25 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जो भी कमाएगा वो कमाने के हिसाब से आपको शेयर देगा, एक पर्टिकुलर शेयर आपका होगा, पर्टिकुलर शेयर उनका होगा। तो हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी तो हलाल होनी चाहिए ना पहले,
हमारी जो सारी क्राइटेरिया जो इंडिविजुअल कंपनीज के लिए थी वो उस म्यूचुअल फंड के लिए भी होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि कोर सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये कोर सेक्टर्स के अंदर जो हराम एलिमेंट्स बच जाते हैं, बहुत सारी हराम कंपनीज बच जाती है, जैसे अगर टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ में गलत चीज़ आने का ज़्यादा चांस होता है। तो जो कोर सेक्टर्स है उसके अंदर गलत चीज़ों के चांसेस कम होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सिर्फ वही क्राइटेरिया थोड़ी है, पहली वाली और दूसरी वाली। जो पहली दो क्राइटेरिया हमने देखा कि कंपनी हलाल होनी चाहिए और उसका कोई मेजर बाय प्रोडक्ट हराम नहीं होना चाहिए, तो आगे की जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को केयर करने के लिए हम क्या करें। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी बनाए गए जो खास मुस्लिम इन्वेस्टर्स के लिए है, जिसमें डेरिवेटिव्स को अवॉइड किया गया, जिसमें बैंक्स इंश्योरेंस को अवॉइड किया गया। लेकिन बाकी की जो आखिरी क्राइटेरिया हमने देखा कि उसके अंदर कंपोनेंट क्या है इंटरेस्ट का, वो कंपोनेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो शरिया एडवाइजर्स है ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स के, जो म्यूचुअल फंड्स खास मुस्लिम्स को माइंड में रख के लॉन्च किए गए, तो वो शरिया एडवाइजर्स जो शरिया कंप्लायंस बता रहे थे, उनका खुद का क्राइटेरिया था कि 33% अलाउड है या 25% अलाउड है या 10% अलाउड है। जो पर्टिकुलर 10% वाली तो मुझे नहीं पता है कि कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया, बट उससे ज्यादा वाली है। तो हम ये देखते हैं इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ जाता है जो शेयर मार्केट में लार्जली आज देखा जाता है। जी नाजरीन, बातें तो बहुत सारी है और ये डिस्कशन जो चल रहा था ये भी बहुत अहम है, लेकिन वक्त हमें अब इजाज़त नहीं देता कि हम इस बात को और आगे जारी करें, तो इस एपिसोड को हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा। लेकिन हमारे पास मौका है अगले एपिसोड में फिर एक बार इंशाल्लाह तिजारत के इस्लामी उसूल के तहत और जो हमें हमारा दीन सिखाता है तिजारत के मुतालिक, ताकि हम उन बातों को जानकर अपनी और दुनिया में खैर और भलाइयाँ ला सकें। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस प्रोग्राम में फिर एक बार शरीक रहें और अपने मुतालिकीन पहचाने वालों को भी दावत दें कि इस प्रोग्राम के साथ हम सीख सकें तिजारत के इस्लामी उसूल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।